एलचिन, तुम दोनों को एक साथ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। और तुम इस्तांबुल शिफ्ट हो रही हो, ये सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। क्या बताऊँ तुम्हें मैं। अब हम जब चाहें मिल सकते हैं, है ना? मेरे दिल की बात कह दी तुमने। आज मैंने वोल्कान को बता दिया। तुमने उसे एलचिन के बारे में बताया? हाँ, और एलचिन ने चाला को बता दिया। ये बताओ उसका रिएक्शन क्या था? वो लोग खुश तो है ना सुनकर? हाँ, वोल्कान तो बहुत खुश था और चाला भी अपनी मॉम के साथ है। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। और एडा? मैंने अभी तक उसे बताया नहीं है। बस यही उम्मीद करो कि वो भी वोल्कान की तरह तुम्हें सपोर्ट करे। तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि वो इस रिश्ते को लेकर नाराज होगी? अरे तुम तो जानती हो ना कि सिनानी अपने बच्चों की मॉम है और सिनानी उनका डैड है। हाँ ये मैं जानती हूँ, आई नो, लेकिन अब ऐदा कोई छोटी बच्ची तो नहीं है, बड़ी हो गई है। हाँ तुमने सही कहा, तुम लोग रास्ता निकाल ही लोगे, मुझे यकीन है। तुमने ऐसा क्यों किया? ये जरूर उसकी गर्लफ्रेंड होगी, उसने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने उसे खो दिया। एदा? Oh, excuse me. हाँ बोलो बेटा। आप कैसे हो डैड? क्या बात है बेटा, तुम ठीक हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बस थोड़ी अपसेट हूँ। आप घर कब आने वाले हो? आखिर बात क्या है बेटा, तुम फोन पर मुझे बता सकती हो? मैं फोन पर बात नहीं करना चाहती। आप जल्दी से घर आ जाइए, मैं आपका वेट कर रही हूँ। ठीक है, मैं अभी आया। प्लीज आ जाइए। ओके बेटा, डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ। क्या बात है सिनन? क्या एदा को कोई प्रॉब्लम है? वो थोड़ी अपसेट है, लेकिन फोन पर कुछ बता नहीं रही, मुझे घर बुला रही है। ओके, तो फिर हमें चलना चाहिए, है ना? एतराज ना हो तो मैं निकलूं। आई एम सो सॉरी। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, तुम घर जाओ, लेकिन हम कुछ देर और रुकेंगे, क्यों, है ना सल्डा? तुमने सही कहा निहार। एलचिन तुम चाहो तो रुक जाओ। ओ नहीं हनी, चाला का मैसेज आया है, मैं होटल जा रही हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। सो सॉरी। घर पहुँच कर कॉल करना। ओके okay? तुम दोनों एंजॉय करो। गुड नाइट, सी यू, फिर मिलते हैं। हम आज फ्लैट देखने जाने वाले थे, तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? बिल्कुल नहीं, वैसे भी देर हो गई, हम कल देख सकते हैं। वो कपल नहीं होते तो सोशल मीडिया पर अपने फोटो क्यों अपलोड करते? वो उसकी गर्लफ्रेंड होगी, मुझे पता है। तो मेरा उसके बाल काटने का मन कर रहा था। सोचो मुझे कैसा लगा होगा, मेरा पहला प्यार मुझसे छीन लिया। वो बिल्कुल खूबसूरत भी नहीं है, उसके लायक नहीं है। शायद वोल्कान आ गया, बाद में कॉल करती हूँ। एदा, यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, जानसू से बात कर रही थी। तुम दोनों सुबह से लेकर पूरा दिन साथ में थे ना, तुम ऐसी क्या बातें करते हो यार? और ये क्या नया ड्रामा है, तुम बरीस को बिना बताए यहाँ चली आई? गलत बात है ना? जानसू की मॉम का कॉल आया, इसलिए हमें तुरंत निकलना पड़ा। और बरीस उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी था, उसने हमें नोटिस भी नहीं किया। बरीस की गर्लफ्रेंड? उसकी कोई गर्लफ्रेंड है भी? तुम्हें नहीं पता क्या? मुझे तो उसने इस बारे में कभी नहीं बताया, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने इंटरनेट पर उसका फोटो देखा। अच्छा, ये तो उसकी कजन है, यूके से हॉलीडे के लिए आई है, हम आज ही इससे मिले थे। उसकी कजन है? बहुत अच्छी लड़की है। कितने दिनों बाद हम लोग बाहर खाना खाने आए हैं। तुमने सही कहा नियार, तुम अगर बोर हो रहे हो तो बिल पे करते हैं और घर चलते हैं। ऐसा क्यों कह रही हो सेल्डा, मेरी प्यारी बीवी की कंपनी में मैं बोर कैसे हो सकता हूँ? ऑन द कॉन्ट्रेरी, मैं बहुत खुश हूँ, तुम एंजॉय करो। माय लव। ओ सेल्डा। ओ हाय हनी। हाय। हेलो निहार। हेलो होलिया। क्या इत्तेफाक है, हम आज दूसरी बार मिल रहे हैं। सुबह तुमने मुझे नोटिस नहीं किया था। वाकई? आज तुम दोनों कहाँ मिले थे? कलस्टा में। सॉरी, मैंने तुम्हें वहाँ नहीं देखा। कोई बात नहीं निहार, तुम थोड़े टेंस लग रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हें आवाज नहीं दी। होलिया चलो इन्हें एंजॉय करने दो। ओके, सी यू सेल्डा। सी यू हनी। सी यू।
तुम और एक ड्रिंक लेना चाहोगे? हाँ, वो उसकी कजन है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। अब देर किए बिना मुझे तुरंत उससे बात करनी चाहिए। मेरे बर्थडे के बारे में पूछूं क्या ख्याल है? ऐता? मेरे डैड आ गए हैं, मैं रखती हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। हाँ आ जाइए डैड। बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? तुमने कॉल करके घर बुलाया था ना? हाँ हाँ, अब मुझे याद आ गया है। कुछ नहीं, बस थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन अब सब ठीक है। सच कह रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तुम खुश हो ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। गुड नाइट डैड। गुड नाइट। Yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.